तुम लोग ना ढंग से खाना खाया करो। तुम्हारी एज के बच्चे इतना कुछ खा जाते हैं और तुम कुछ खाती ही नहीं हो। अम्मी खाने को छोड़े आप, ये बताए अबू कब आएंगे? हाँ कॉल आई थी उनकी, कह रहे थे भी मुझे 2 दिन और लग जाने कराची में। ओह नो, बाबा ने तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एग्जीबिशन में लेके जाएंगे। एग्जीबिशन में तो तुम्हें मैं ले जाऊंगा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा नाम चीकू सिंह है, नाम तो सुना ही होगा। आजकल बहुत खबरों में आ रहा हूं मैं, सबको मेरी ही तो तलाश है। अम्मी ये वही कैदी है जो जेल से भाग गया था। हाँ सही पहचाना तुमने बच्ची, मैं वही हूँ। छोड़ दो मेरे बच्चे को, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी तब तक। फोन सुनो और कोई होशियारी मत करना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करना, उसको शक ना हो। हेलो आंटी, जैन किधर है? उसे कहते चाहिए कि मेरी साइंस की बुक स्कूल लेता है। वो बेटा उसकी ना आज तबीयत ठीक नहीं है तो वो स्कूल नहीं आएगा। ओ अच्छा, तो फिर मिनाहिल को कह दीजिएगा। नहीं वो भी आज स्कूल नहीं आएगी। क्यों? अच्छा बेटा मुझे बहुत सारे काम करने, मैं फिर आपसे बाद में बात करूंगी। शाबाश, बहुत अच्छे, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भी नाश्ता लेके आओ। जाओ तुम वहां बैठो और तुम यहां बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चों, बैठो बैठो बैठो। भाई वो आपके ग्रुप के दूसरे मेंबर नज़र नहीं आ रहे। जैन की तबीयत खराब है और मिनाहिल जैन के बगैर कहीं जाती नहीं। अब वो ठीक है, मेडिसिन ली है? उन्होंने हमें बताया ही नहीं। अरे भाई ऐसे मौके पे खुद पूछ लेते हैं, अभी फोन करो, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, ज्यादा खाने की वजह से एसिडिटी हो गई हो। सर जी हम बड़े हैं, हमें हो जाती है, तो वो तो बच्चे हैं। लौटते खोलो। अस्सलाम वालेकुम जैन, अब तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। हम टिंकू अंकल के पास आए हुए थे और चाह रहे थे कि मिसिंग कैदी के बारे में मीटिंग कर लें। नहीं, तुम लोग मीटिंग करो, हमें इस मसले से दूर रखो, बाय। वेरी गुड। इसे क्या हुआ, इतना वियर्ड बिहेवियर? अब भाई जब तबीयत खराब होती है बंदे की तो ऐसा हो ही जाता है। बहरहाल हमने शहर की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी है, खुशी टाउन में जो भी आएगा जो भी जाएगा सख्त चेकिंग से गुजर के जाएगा। सबसे जरूरी बात है वो आंखों में पाउडर डालते हैं। इधर आओ। अब मैंने क्या किया? भाई बड़ी अक्ल की बात की तुमने, इसे मैंने बड़ा ट्रेन कर दिया है। हमेशा अच्छी बात की है और थप्पड़ ही खाया। अरे पगले ये तो खुशी के थप्पड़ है, लेकिन खतरे की बात ये है कि वो अभी भी खुशी टाउन में ही घूम रहे। हाँ ये बात तो सोचने वाली है,
हमने भी उसे हर जगह ढूंढा है पर वो हमें नहीं मिला। पता नहीं आसमान खा गया कि जमीन निकल गई। मेरे ख्याल से हमें मिशन के लिए निकलना चाहिए, इससे पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचा दे। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें निकलना चाहिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर टिंकू। यार कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम है। ना ही कैदी का पता चल रहा है और ना जैन के रवैये का। बात तो तुम्हारी ठीक है। आई थिंक मुझे ना मिनाहिल को कॉल करनी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम लोग नहीं आ सकते हैं, और मैं कल के पेपर की तैयारी कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, सो प्लीज अब मुझे कॉल मत करना। और हाँ, उस मिशन का क्या बना? कैदी को पकड़ने वाले मिशन का? मुझे लगता है वो अब तक भाग गया होगा। बुशी टाउन में तो नहीं है? जाहिर सी बात है, किसी के घर में तो छुप नहीं सकता, और उसके पास कोई वेपन्स भी नहीं है। मेरे ख्याल से उसके पास एक फ्रूट नाइफ है। ओके ओके बाय। यार मिनाहिल इतनी अजीब बातें कर रही थी, मुझे तो उसकी कुछ समझ नहीं आई। मैंने तो कैदी की बात ही नहीं की, और वो कहने लगी कि कैदी के पास फ्रूट नाइफ होगी, वो किसी के घर में छुपा हुआ होगा और शायद अब तक वो खुशी टाउन से निकल गया हो। समथिंग इज रॉन्ग यार। उसे कैसे पता? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो हाँ कह रही थी कि कल के पेपर की तैयारी कर रही है वो। कल? कल तो कोई पेपर ही नहीं है। ओए हाँ, यही मैं ही सोच रहा था। वो जैन भी जल्दी जल्दी में उसने फोन बंद कर दिया, और अब मिनाहिल की कुछ बातें ही समझ नहीं आई। मुझे लगता है मिनाहिल तुम्हें कोई सिग्नल देना चाह रही है। कैसा सिग्नल? हो सकता है कैदी मिनाहिल के घर में ही हो। ऐसा कैसे हो सकता है यार? देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, कैदी खुशी टाउन में ही है और किसी के घर में छुपा हुआ है, तो हो सकता है वो मिनाहिल का घर हो। हाँ, क्योंकि हमने खुशी टाउन के सारे घर चेक किए थे सिवाय मिनाहिल के घर के, तो हमें चेक करना चाहिए। और चले बंदर। ओ यार मेरा मतलब भाई, जल्दी नीचे आ जल्दी। अंदर वो है आराम से, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें पता ना तुमने क्या करना है? हाँ यार, मैं उसे बाहर निकालता हूँ और तुम सबको बाहर लेके भाग जाना, और यार से ना टिंकू अंकल को जरूर कॉल कर देना। को तो तानू। कोई होशियार ही नहीं। मुझे लग रहा है कि उमर हमजा आ गया है।
तुम आ गए? चलो हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी। मुझे पता था तुम आओगे। ए, रुको, वापिस आओ। हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाओ। अच्छा, मुझे चैलेंज कर रहा है। मुझे पता था हमजा तुम जरूर आओगे। अच्छा तो तुमने इनको बातों बातों में बता दिया था। खैर अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। बच्चों बच तो तुम भी नहीं सकते कानून के हाथ से। इंस्पेक्टर टिंकू सर्जी मारे इसको, सर्जी मारे, सर्जी पिस्तौल पाउडर डाल, सर्जी मेरी आंखें, सर्जी मेरी आंखें। ए बच्चे, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। अंकल मैं बच्चा हूँ लेकिन बहुत बहादुर। तुम्हें हम जेल लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा इलाज कराते हैं जाके। जरा और लड़ना है अंकल, यह काफी है। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और तुम लड़ने की बात कर रहे हो। ये आजकल के बच्चे इतने तेज कब से हो गए? आजकल के बच्चे बहुत बहादुर हैं, किसी से नहीं डरते और पता है डट के मुकाबला करते हैं। और आप जैसे बुजुर्ग लोगों से तो बिल्कुल नहीं डरते। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी शुक्रिया की क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज था। चलो चले चलो। ओ ओ इसको तो पकड़ो।